बिनीता लाइश्रम फाइनल राउंड चंगबरा चंगद्रा लोईभाव ने यिंग विनर सी इचिनाव मयाम मणिपुर से आई बिनीता लाइश्रम पहली बार में भारत का अमृत कलश अमृत कलश अमृत कलश। आप हमेशा हमको सरप्राइज करती हैं अपने पहनावे से अपनी पोशाक से, तो सबसे पहले इसके बारे बताइए। दिस कॉस्ट्यूम इज दूसरा ट्रैवल का कॉस्ट्यूम है। आज जो मैं गाना गाने वाली हूँ वो एक फ्लावर का गाना है, वो फ्लावर का नाम सिरोई लिली है। दिस फ्लावर इज ओनली फाउंड इन मणिपुर, सो दिस इज द सिंबलाइज ऑफ दैट फ्लावर। क्या बम जब नुशी जब का
वो सो माननीय कैलाश खेर जी, तो बनीता ने वैसे तो बहुत बार चकित किया है अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन आज इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज लगा कि ये फूल फूल के लिए गाना है, ये पुष्प के लिए, फ्लावर के लिए सेलिब्रेटरी एक सॉन्ग है, उसको भी एक ऐसी धुन भगवान ने बना रखी है, ये ट्रेडिशनल ट्यून है जो लग रहा जैसे सबसे ज़्यादा रोमांटिक कोई गाना अगर वहाँ का होगा तो ऐसा लग रहा है ये गाना। नरेश भाई, नरेश भाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और पहली बार इस टाइप का योडलिंग मैं सुन रहा हूँ जो इनका स्टाइल था, और ये मैंने कभी सुना नहीं है, और ये गाने के साथ कितना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो ऑनर टू हैव इट, ब्यूटीफुल, लवली, थैंक यू सो मच। हमारी खूबसूरत गायत्री जी, उनसे पूछते हैं, आप खुद एक फ्लावर जैसे ही लग रहे हो, और एवरी टाइम यू कम, यू नो व्हाट आई रियली लव अबाउट यू इज दैट यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू एवरी परफॉर्मेंस, एंड ये जो कमिटमेंट है, दिस इज व्हाट मेक्स अ म्यूजिशियन अ लेजेंड, एंड आई रियली प्रे टू गॉड दैट यू गो रियली फार। कंग्रेचुलेशंस देवो सर। बेनिता, मैं एक परेश एंड नरेश, आप दोनों को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे होम टाउन जो सिलचर से मणिपुर, मतलब थोड़ा चल के भी जा सकते, इतना नज़दीक है, तो बाई रोड जाते रहते हैं लोग सिलचर से मणिपुर, तो लेकिन मैं वहाँ का पला बड़ा हूँ, फिर भी इतना वैरायटी मणिपुर का मैंने तो आज तक नहीं देखा जो इन्होंने इस मंच में आके दिखाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर स्टेट को इतना अच्छा प्रेजेंटेशन जो दुनिया भर में मणिपुर का कल्चर फोक दिखा रहे हैं, इनसे बेहतर कोई दिखा नहीं सकता। 100% आई एग्री। सो इसी के साथ हम स्कोर्स ले लेते हैं। गायत्री जी ने देखो 10 पॉइंट्स दे दिए, स्नेहा जी 10 पॉइंट्स, और ये हैं देवो सर के, मैं पूरा भारत का अमृत कलश ही दे रहा हूं। अरे वाह, 30 में से 30 पॉइंट्स। अब कैसा है कि देखिए, गुरुओं ने तो दे दिया स्कोर, अभी हमारे महागुरु के पास में फैसला है, और वो फैसले की घड़ी जो है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पता चल जाएगा भाई टॉप फोर में आप जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी, क्या होगा ये तो टाइम विल टेल। इसको मणिपुरी भाषा में कैसे कहेंगे? मतलब नपुरकनी। बोला है इतिहास में पहली बार। जो अगला रत्न हमारा थर्ड फाइनलिस्ट, उनका नाम है बेनिता लक्ष्मण। शी इज अ थर्ड फाइनलिस्ट, कांग्रेचुलेशंस बेनिता लक्ष्मण, प्लीज हैव अ सीट। इतिहास में पहली